और इसके पार्ट्स में हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे इसकी, फिर इसके बाद इसका सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको हर तरह से समझ आ जाए और वर्ड मीनिंग भी आ जाए। ठीक है जी, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पेज नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 8, 6 जुलाई आज है। पैराग्राफ 8 है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड साबित किया, सबूत दिया या साबित किया, बाय हिज ऑन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल के जरिए, अपनी ही मिसाल के जरिए आपने साबित किया। दैट नो वन कुड बी मोर फर्म, फर्म कहते हैं पुख्ता, या तजर्बाकार भी कह सकते हैं, पुख्ता वैसे ठीक है, और इसका आप ये भी कर सकते हैं ज्यादा अच्छा। बहरहाल सेंटेंस में जब इसका ट्रांसलेशन होगी फिर आपको ये अच्छी तरह पता चल जाएगा। जस्टिस इंसाफ पसंद, तो इस सेंटेंस का यहां तक है। देन देन निस्बतन भी कहते हैं, और देन का मतलब आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देन निस्बतन के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे आप ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि सेंटेंस की तरतीब ऐसे बनेगी कि इसका मीनिंग ज्यादा भी निकल आता है। ठीक है जी, यहां तक है, एक हाफ सेंटेंस हुआ है, इसको पहले हम देख लेते हैं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया, बाय हिज ऑन एग्जाम्पल, अपनी ही मिसाल के जरिए, अपनी ही मिसाल के साथ, दैट के नो वन कोई भी नहीं, कुड भी हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, मोर फर्म ज्यादा पुख्ताकार, ज्यादा तजर्बेकार, फॉर जस्टिस इंसाफ के मामले में, इंसाफ के मामले में ज्यादा पुख्ता। देन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा, दोनों लफ्ज यहां पे बिल्कुल ठीक मीनिंग देंगे। आप जैसे भी इसका तर्जमा करना चाहें इन वर्ड्स के जरिए आप कर सकते हैं, आपकी निस्बत या आपसे ज्यादा, दोनों का मीनिंग सेम बनता है। ठीक है जी, तो यहां से साबित हुआ कि सेंटेंस का तर्जमा इतना बनेगा कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही मिसाल के जरिए साबित किया कि आपसे ज्यादा पुख्ता इंसाफ के मामले में कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का आपसे पार्ट वाइज हो गया। अब इसको पूरे सेंटेंस को करते हैं इसकी ट्रांसलेशन, तो आपको ये समझ आएगी कि इसका असल तर्जमा क्या बनता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही मिसाल के जरिए ये साबित किया कि आपसे ज्यादा इंसाफ के मामले में पुख्ता कोई नहीं हो सकता, इवन हत्ता के, या इसका ये भी होता है यहां तक के, हत्ता के, यहां तक के, इफ इट वॉज, अगर ये हो, अगेंस्ट खिलाफ, अगर ये हो खिलाफ हिज ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मफाद, आपके अपने मफाद के खिलाफ, जी इंटरेस्ट मफाद, खा ये हो या अगर ये हो आपके अपने ही मफाद के खिलाफ, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उन लोगों के मफाद के खिलाफ, हुवर नियर एंड डियर, नियर करीबी और डियर अजीज,
वो आपके मफाद के खिलाफ हो या आपके ही करीबी अजीजों के मफाद के खिलाफ हो, ठीक है जी। तो इसका कहते हैं इवन इफ, हत्ता के अगर ये हो, वॉज अगेंस्ट हिज ऑन इंटरेस्ट, अपने ही मफाद के खिलाफ, अगेंस्ट खिलाफ, इंटरेस्ट मफाद, अपने ही मफाद के खिलाफ हो, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज या उन लोगों के मफाद के खिलाफ हो, हु वर नियर एंड डियर, जो करीबी थे और अजीज थे, टू हिम आपके लिए, आपके करीबी अजीज थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसको और पीछे वाला जो इसका पार्ट था इसको मिला के पढ़ते हैं और आपको फिर समझ आएगी कि असल सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है। अल्लाह रसूल प्रूव बाय हिज ओन एग्जांपल दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस देन हिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया अपनी ही मिसाल के जरिए, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही मिसाल के जरिए साबित किया कि इंसाफ के मामले में आपसे ज्यादा पुख्ता कोई नहीं हो सकता, हत्ता कि ये इंसाफ खा आपके अपने मुफाद या आपके करीबी अजीजों के मुफाद के खिलाफ ही जाता हो, ठीक है। सेंटेंस नंबर यहां से सेकंड स्टार्ट होता है, ही डिसाइडेड, ये लफ्ज आ चुका है डिसाइडेड, मैं दोबारा भी लिख देता हूं ताकि यहां पे किसी को अगर बाजुकात ऐसा होता है कि वो भूल जाता है, फैसला किया या फैसले किए दोनों हो सकता है। मैंने कहा था कि ये डिसाइडेड का मीनिंग या वर्ब का मीनिंग डिपेंड कर रहा होता है, मैं ये नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल में डिपेंड कर रहा होता है, इसके बाद क्या कौन सा ऑब्जेक्ट आया। अगर वो प्लूरल है तो इसका सेंटेंस का तर्जमा प्लूरल के साथ करेंगे, और अगर सिंगुलर है तो फिर इसका तर्जमा सिंगुलर में कर देंगे। मसलन पहले ये था ही डिसाइडेड ऑल केसेस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ही डिसाइडेड ऑल केसेस, आपने तमाम मामलात के फैसले किए। अब यहां पे जो सेंटेंस है वो है ही डिसाइडेड एवरी केस, आपने हर मामले का फैसला किया। अब ये फैसला किया है, फैसले किए नहीं है, फैसला किया, तो इसमें कोई फर्क नहीं है वर्ड का, इसका ये वर्ब का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। आपको बस ये बताने की कोशिश मैंने की है कि वर्ब जो है इसका मीनिंग जो है, असल मीनिंग तो फैसला करना है, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो हमें नाउन और जो सॉरी यानी नाउन से मुराद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखकर इसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, ही डिसाइडेड एवरी केस, आपने हर मामले का फैसला किया। ब्रॉट टू हिम, ब्रॉट सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की, और ब्रॉट टू हिम लाया गया, ब्रिंग का मतलब लाना और ब्रॉट टू हिम लाया गया, जो आपके पास लाया गया हर मामला, आपने उसका फैसला किया बाय फ्रेंड और फो, बाय की तरफ से, बाय का मतलब जरिए भी होता है, यहां पे इसका मतलब है की तरफ से, बाय फ्रेंड और फो, फ्रेंड तो दोस्त को कहते हैं और फो कहते हैं दुश्मन को, दोस्त और दुश्मन की तरफ से आपने हर मामले का फैसला किया, जो लाया गया दोस्त या दुश्मन की तरफ से विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, क्या किया है, इंसाफ के साथ फैसला किया है। तो ये वर्ड जो है सेंटेंस की तरतीब ये है कि ये जो पहला वाला जो सेंटेंस था, ही डिसाइडेड ऑल केसेस विद जस्टिस, जो इसका पार्ट था वो बाद में ले गए हैं, आपने हर मामले का फैसला इंसाफ के साथ किया। ब्रॉट टू हिम, जो आपके पास लाया गया, बाय फ्रेंड और फो,
दोस्त या दुश्मन की तरफ से। तो ये विद जस्टिस जो इसके बाद लिखा है, ये एक्चुअली ये ही डिसाइडेड एवरी केस विद जस्टिस के साथ है, ठीक है, विदाउट फेयर ऑफ फेवर। फेवर, फेवर कहते हैं किसी की जानिबदारी करना, फेयर डर खौफ, विदाउट बगैर, फेवर जानिबदारी, बगैर जानिबदारी के डर के, बगैर जानिबदारी के डर के आपने हर मामले का फैसला किया इंसाफ के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो हम इसको दोबारा देखते हैं इस पूरे सेंटेंस को, ताकि हमें बार बार इसको दोहराना ना पड़े, आपको अच्छी तरह इसी वक्त समझ आ जाए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ही डिसाइडेड एवरी केस, आपने हर मामले का फैसला किया, ब्रॉट टू हिम, जो आपके पास लाया गया, बाय फ्रेंड और फो, दुश्मन या दोस्त की तरफ से, विद जस्टिस। विद जस्टिस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जस्टिस यहां भी आ गया इंसाफ, और यही लफ्ज इंसाफ पसंद के मीनिंग में भी यूज होता है, तो यहां पे इसका मतलब इंसाफ है, ठीक है, विद जस्टिस इंसाफ के साथ। आपने हर मामले का फैसला इंसाफ के साथ किया, जो आपके पास किसी भी दोस्त या दुश्मन की तरफ से लाया गया, विदाउट फेयर, विदाउट बगैर फेयर खौफ के, ऑफ फेवर जानिबदारी के, बगैर किसी जानिबदारी के खौफ के, यानी आपको किसी का खौफ नहीं था कि अगर मैंने इस दोस्त की या इस रिश्तेदार की तरफदारी या जानिबदारी ना की तो ये मुझे कहीं छोड़ ना दे, कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाए। और यही वजह है कि बहुत सारे आपके खिलाफ भी हुए। सबसे पहला वाक्य तो अबू जहल के मतलब आता है कि अबू जहल जो था वो आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सबसे पहले इसी वजह से हुआ था, अगरचे के उस वक्त इस्लाम का भी जो है दावा नहीं किया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह ताला की तरफ से भी नबूवत नाजिल भी नहीं हुई थी। इससे पहले के वाकयात हैं कि आपने इंसाफ के साथ काफी सारे जो केसेस थे उनका फैसला किया, और जानिबदारी के किसी खौफ के बगैर। और यही वजह थी कि एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अबू जहल के पास चले गए, एक बद्दू अरब था वो आया मक्का में, अबू जहल ने उसकी कुछ रकम देनी थी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तो दावा कर दिया हुआ था खैर, तो जो कुफार थे उन्होंने ये मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो इंसाफ बड़ा दिलाते हैं। तो ये एक तंज के तौर पे उन्होंने ये सारा वाक्य किया कि अबू जहल से तुम्हें वही रकम दिला सकते हैं जो तुम्हारा हक है तुम्हें दिला सकते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास चले गए और उस शख्स को साथ लेके कहा कि इसका हक दे दो, तुम पर कर्ज है। उसने कहा जी ठीक है। कुफार तो ये समझते थे कि ये जो है मौका है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अबू जहल के पास जाएंगे, और अबू जहल ने हक देना कोई नहीं है, वो डरता किसी से है नहीं, और इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्ला बेइज्जती होने का डर है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू जहल को ये बात जाके कही तो उसने कहा जी ठीक है मैं अभी देता हूँ। वो गया अंदर से और रकम अदा कर दी। अब वो वाकया खत्म हो गया। बाद में जब कुफार ने अबू जहल से पूछा भी क्या वजह थी, तुम तो बड़े दावे करते थे, उसने कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों तरफ या एक तरफ एक बिफरा हुआ ऊंट है, और अगर मैंने उसकी रकम अदा ना की तो वो मुझ पर हमला कर देगा। ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो इंसाफ करना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा दावेदार
जो जात है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपने अपनी मिसाल से साबित किया कि आपसे ज्यादा इंसाफ पसंद कोई नहीं है, और ये हमारे लिए सबक है इस लेसन का, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, कि इंसाफ अगर किसी ने करना है तो फिर डर किसी का नहीं होना चाहिए, और अगर डर नहीं है फिर अल्लाह ताला मदद करता है। तो ये विदाउट फेयर ऑफ फेवर जो है, इसका असल मीनिंग ये है कि रिश्तेदारों से डरे बगैर, जानिबदारी के खौफ के बगैर आपने ये फैसले किए। ये वाक्या सुनाने का मकसद असल इस जगह पे आपको सेंटेंस का तर्जुमा समझाना था। तो ये असल था कि गैर जानिबदारी से आपने फैसले किए। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है बहुत ज्यादा वसी हो जाना, बहुत ज्यादा। अगर ये इलाके के या एरिया की सूरत में आए तो वसी इलाका कह सकते हैं, अगर हिम्मत के तौर पर ये लफ्ज आए तो बुलंद हिम्मत कह सकते हैं, और वुसअत हौसला भी कह सकते हैं इसको। लेकिन मैग्नीट्यूड का असल मतलब है वसी होना। तो नेक्स्ट वर्ड के या नेक्स्ट जो मतलब आता है सेंटेंस का, उसके साथ मिला के इसका असल मीनिंग समझ आता है। कहते हैं अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड। हौसला कर सकते हैं, जुरत भी कर सकते हैं, और वसी हौसला और वसी जुरत भी कर सकते हैं। इस तरह का जुरतमंद आदमी ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी हद को अबूर कर जाना, यानी उसके सामने किसी किस्म की हद, किसी किस्म की पाबंदी ना रहना, वो तमाम जमानो मकान की कैद से आजाद हो जाता है। यानी उसको ना जमाना रोक सकता है और ना ही वक्त रोक सकता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आपको पता है कि ऐसी ही थी कि आपको जमाने ने भी रोकने की कोशिश की, आपको जगह या मकान ने भी, जमानो मकान जैसे कहते हैं, तो रोकने की कोशिश की, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबसे मावरा थे, सबसे बढ़ के थे। ट्रांसेंड, अबूर करना। अबूर करना या मावरा होना, मावरा का मतलब ही है कि कोई कैद आपको कैद ना कर सके। तो ऐसी जुरत का शख्स, ऐसे हौसले का शख्स अबूर कर जाता है द बैरियर्स, रोक, पाबंदी। बैरियर्स रोकें, तो मैं सिंगल ही करता हूं रोक। वैसे इसका जो रोके हैं ये हो सकता है इसका, मैं इसलिए इसको जो है यहाँ से मिटा रहा हूँ कि आप एक ही लफ्ज़ ज्यादातर लिखें, तो ये डिफरेंट नहीं है। तो अगर इसको सिंगुलर भी इस्तेमाल कर लें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रोकों से या रोक से। बैरियर्स रोक, ऑफ टाइम वक्त की, एंड स्पेस और जगह की, स्पेस जगह या मकान भी कह सकते हैं, मकान भी जगह को कहते हैं। मकान से मुराद यहाँ पे वो मकान नहीं है जो आप तामीर करते हैं और रहते हैं, मकान से मुराद यहाँ पे सिर्फ जगह ही है। टाइम जमान या जमाना, वक्त। तो इस सेंटेंस के यहां तक बनेगा अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी जुरत का, ऐसे हौसले वाला शख्स अबूर कर जाता है या मावरा होता है रोक से, जगह की या मकान की और जमान की या जमाने की। ऐसी जुरत का शख्स, ऐसे हौसला मंद शख्स किसी भी मकान और जमान की पाबंदी से मावरा होता है, या जमान और मकान की पाबंदी को अबूर कर जाता है। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस का यहां पे ये बनेगा कि ना उसको वक्त रोक सकता है, ना उसको जगह की रोक सकती है। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जाने का बहुत दुख था, लेकिन आपकी तहरीक में, आपके मकसद हयात में जरा भी तजलजुल नहीं आया, जरा भी फर्क नहीं आया, बल्कि मदीना में तबलीग का काम और ज्यादा जोर शोर से जारी। ठीक है,
बात समझ आ गई। तो ये है, ये वाला जो सेंटेंस है इसका मैं दोबारा करता हूं। ऐसा हौसलामंद शख्स किसी भी जमान और मकान की पाबंदी को अबूर कर जाता है या उससे मावरा होता है। मावरा का भी वही मतलब है, अबूर करना, यानी उसे रोक नहीं सकता। ठीक है जी, ये फर्स्ट कॉलम जो है इसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है यहां से शुरू करते हैं। 5 मिनट। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग। एजेस उम्र या उम्रें, तमाम उम्र के लोग फाइंड समथिंग हासिल करते हैं। फाइंड का मतलब तलाश करना भी होता है और हासिल करना भी, यहां दोनों मतलब हो सकते हैं, लेकिन हासिल करना अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा मतलब है। हासिल कर सकते हैं समथिंग, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज इन हिज लाइफ, आपकी जिंदगी से। टू प्रोवाइड देम, जो उन्हें मुहैया हो, जो उन्हें मिल जाए, विद गाइडेंस, रहनुमाई के तौर पे, हासिल हो, मयस्सर हो, मयस्सर भी कर सकते हैं। किसके तौर पे? गाइडेंस के तौर पे, यानी उनको रहनुमाई मिल सकती है। हर उम्र के लोग आपकी शख्सियत से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, जो उन्हें रहनुमाई हासिल करने में मदद दे या रहनुमाई मुयस्सर करते इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज। वेरियस मुख्तलिफ, एक्टिविटीज सरगर्मियां, काम, जिंदगी की मसरूफियात, सरगर्मियां ज्यादा बेहतर है लव। और भी मैंने अभी बताया आपको, या फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, ये सरगर्मी या कर सकते, क्योंकि ये सिंगुलर है। सरगर्मी, सरगर्मी कहते हैं काम को। तो पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ। हर उम्र के लोग आपकी जिंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, जिससे उन्हें रहनुमाई हासिल हो, इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, मुख्तलिफ शोबे की सरगर्मियों में। ठीक है, वेरियस मुख्तलिफ, और फील्ड, फील्ड कहते हैं शोबे को। मुख्तलिफ शोबे की सरगर्मियों में उन्हें रहनुमाई हासिल हो। मैं यहां तक इसका करता हूं। ये जो आखिरी दो लाइनें हैं इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके साथ एक्सरसाइज का कुछ पार्ट भी करेंगे। लेकिन जो है ये वाला हिस्सा, ये अभी मैं आपको जो है वो करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ इसको जो है पार्ट वाइज, और फिर उसके बाद पूरे की ट्रांसलेशन। पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के लोग कैन फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, इन हिज लाइफ, आपकी जिंदगी से। किसकी जिंदगी से? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टू प्रोवाइड देम, जो उन्हें मयस्सर आ जाए, विद गाइडेंस, रहनुमाई के तौर पे, जो उन्हें हासिल हो रहनुमाई के तौर पे। हर उम्र के लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, जो उन्हें रहनुमाई के तौर पे हासिल हो, इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, उनके मुख्तलिफ शोबों की सरगर्मियों में, यानी उनके जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें जो काम अंजाम देते हैं उसमें रहनुमाई के तौर पे। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन, जवानी, उधेड़मठ, बुढ़ापा और नौजवानी और सब कुछ, जिंदगी के जितने भी अदवार आते हैं, हर एक के लिए उसमें मिसाल और एक उस्वाए हसना के तौर पे आपने जिंदगी गुजारी है। तो कोई अगर बूढ़ा है वो भी आपसे रहनुमाई हासिल कर सकता है कि बुढ़ापा किस तरह गुजारा जाए, अल्लाह ताला को किस तरह राजी किया जाए। अगर कोई बच्चा है, कोई आपकी तरह नौजवान है, वो भी रहनुमाई हासिल कर सकता है कि किस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा था और हम
किस तरह रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी में और अपने मुख्तलिफ कामों में। ठीक है जी, तो इसका पूरी का एक दफा करते हैं फिर आपके लिए क्वेश्चन। हर उम्र के लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रहनुमाई के तौर पे कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं अपने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की सरगर्मियों के हवाले से या अपने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की सरगर्मियों के लिए। ठीक है जी, ये जरा ध्यान में कर लें कि ये इसका तर्जमा जो है थोड़ा सा आपको का के वगैरह ज्यादा लगा के तो करना पड़ेगा जब बा मुहावरा करते हैं ताकि अच्छा तर्जमा हो। तर्जमा करना और अच्छा तर्जमा करने में थोड़ा सा फर्क है, तो ये आपके जहन में हो कि तर्जमा सिर्फ सादा और अच्छा करने में थोड़ा सा फर्क है, आपको अच्छा तर्जमा करना। ठीक है जी, यहाँ तक इसको रखते हैं और अब क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो 5 मिनट आपके पास क्वेश्चंस के हैं, आप क्वेश्चन पूछ लें। इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में भी अगर आपने कुछ पूछना था, ये ना हो कि आपको काफी देर पहले की बात करते हैं जो पिछले 2-3 लेक्चर जो गुजरे हैं उसमें अगर आपने कुछ पूछना है, ये ना हो कि बस तो क्वेश्चन को देख के तो आप जल्दी से सवाल कर लें। ठीक है जी, अच्छा जी एक क्वेश्चन है कि आपको ये रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब के जरिए भी मिल सकती है और उसमें फिर आपको लिंक जो है वो सेंड कर दिया जाता है अगर जब आप कहते हैं, तो उसके फायदा तो ये है कि आपको बाद में भी ये सहूलत मैसर होती है, लेकिन हकीकत में जो इस वक्त जो सहूलत है ऑब्वियसली ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो लाइव लेक्चर होता है उसका फायदा ये होता है कि आप पाबंदी से सुनते हैं और अक्सर एक्सपीरियंस ये होता है कि यूट्यूब में या किसी और जगह पे अगर रिकॉर्डिंग है तो आपके जहन में होता है अच्छा रिकॉर्डिंग तो है, देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे और इस तरह आपका वक्त जाया होता है, तो अपने आप को मामूल बनाएं कि आप लाइव लेक्चर सुने। ठीक है, ताकि आप पाबंद रहें, जिस तरह आप स्कूल में पूरी एक्टिविटीज जो थी उसके लिए हाजिर होते थे और फिर उसके बाद पूरी एक्टिविटीज करके घर जाते थे, तो ये भी आपका जो है वो जहन में रहना चाहिए कि हो। ठीक है जी, जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। अच्छा एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पहला लेक्चर या पहला यूनिट है, इसको जरा हम ध्यान से और थोड़े आराम से पढ़ें और इसके एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा जो है स्लो करेंगे, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी स्पीड जो है वो हम गेन करेंगे। उसकी वजह ये है कि पहले आपको थोड़ा सा इसकी समझ आ जाए बुक की या जो तरीक़ेकार है इसकी, इसके बाद फिर थोड़ा सा हम तेज भी पढ़ेंगे, तो ये जो लेक्चर को हमें 3-4 दिन एक चैप्टर पर लग गए हैं, शायद इतना वक्त दोबारा किसी और चैप्टर पे ना लग सके, तो ये जरा जहन में रखें और इसके मुताबिक करें। चलें जी, ये क्वेश्चन आपका कोई नहीं है तो थैंक यू, फिर अल्लाह हाफिज़ और कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।